Hey everyone, this is Nidhi Dhruv. I'm back again with a short video for you guys wherein I'll be covering all the important current affairs today in just 2 minutes. So 14th of July and all the important news you need to note down, you need for your revision are here. First important news. Since we saw that there is a big reshuffle in cabinet, यूनियन मिनिस्टर्स बहुत सारे नए अपॉइंट हुए हैं, सो अकॉर्डिंगली कैबिनेट पैनल्स जो होती है फॉर डिफरेंट मैटर्स, उसमें भी बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत है. ऑफकोर्स न्यू मिनिस्टर्स एड किए हैं तो उनको पैनल्स में भी एड करना होगा. सो बिग मेजर चेंजेस आर सीन इन दीज कैबिनेट पैनल्स. कैबिनेट पैनल ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. सो इसमें मेजर चेंजेस है. फॉर मोर डिटेल्स आपको मेरा मॉर्निंग वाला न्यूज पेपर एनालिसिस सेशन देखना है या टेलीग्राम पे मैंने न्यूज पेपर शेयर किया है तो उसे आप चेक कर सकते हो फॉर डिटेल्स के किसको किसमें इंक्लूड किया गया है. बट अभी आपको मेजरली इतना जानना भी इनफ होगा. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू गाइज इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग 300 मिलियन डोजेस ऑफ स्पुटनिक वी. सो दिस इज अनाउंस्ड बाय रशियाज सोवेरियन वेल्थ फंड दैट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इंडिया से है वो 300 मिलियन डॉलर्स स्पुटनिक वी के डोजेस बनाएंगे एवरी ईयर. ठीक है, दैट्स सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज. थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज यू नीड टू नो इज हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लिप के वजह से बहुत लोगों के घर तबाह हो गए हैं. दिस इज अ बिग टाइम ट्रेजेडी गाइज. सो वन डेथ अकर्ड एंड लॉट ऑफ पीपल आर लाइक अंडर डेब्रीज एंड दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ देयर बिकॉज ऑफ द फियर. सो ये बहुत खराब चीज हुई है. थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूज. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज, फोर्थ इम्पॉर्टेंट न्यूज फॉर यू गाइज इज आसाम गवर्नमेंट इज कमिंग अप विथ अ बिल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कैटल बिल 2021 जिसमें दे हैव एडेड अ क्लॉज सेइंग दैट टेम्पल्स के आजू बाजू बीफ सेल करना अलाउड नहीं होगा. गवर्नमेंट इज सेइंग, आसाम गवर्नमेंट इज सेइंग दिस इज टू प्रिवेंट द स्मगलिंग ऑफ बीफ. ओके, सो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज ऑन इंटरनेशनल फ्रंट. शेर बहादुर द्यूबा is appointed as a Nepal PM for the fifth time. That's very very important one. Please remember this one. Okay, next important news is Google को fine लगाया है 500 million euros का. किसने लगाया है ये fine? You know, France में जो हमारे इंडिया में जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वहां जो कंपटीशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने फ्रांस की एंटी ट्रस्ट एजेंसी ने 500 मिलियन यूरोस का फाइन लगाया है गूगल पे फॉर यू नो नॉट डीलिंग नॉट नेगोशिएटिंग इन गुड फेथ विद द न्यूज कंपनीज फॉर बाइंग द न्यूज. एंड बोला गया है कि अगर अभी भी फ्यूचर में 2 मंथ्स में अगर वो लोग प्लान्स लेके नहीं आएंगे कि कैसे वो लोग उनके साथ डील करने वाले हैं फॉर बाइंग द न्यूज ऑफ न्यूज कंपनी एंड शोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल. तो अगर 2 मंथ्स में प्रपोजल नहीं आए तो $9 लाख जितना फाइन पर डे, नॉट डॉलर्स आई एम सॉरी, 9 लाख यूरोज जितना फाइन पर डे गूगल पे लगाया जाएगा. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, यू नीड टू नोट दिस. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज इंडिया इज गोइंग टू होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2026. सो 2026 में बैडमिंटन का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है इंडिया इज गोइंग टू होस्ट दैट.